तेलंगाना के वजीर आईटी और बल्दी रजबरस के तारक रमन राव ने कहा कि नोटबंदी शदीद नाकामी का नतीजा थी और यह हमें फरामोश नहीं करना चाहिए कि उसने किस तरह बढ़ती हिंदुस्तानी मईशत को मुतासिर किया। आधे अधूरे नजरिए के नतीजे में मुसलसल 8 सेमाही की सुसरवी रही। बाद हजार साल 2020 में हुए लॉकडाउन ने मुतहरिक मईशत को बड़ा धक्का पहुंचाया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तारक रमन राव ने टीआरएस लीडर विष्णुवर्धन रेड्डी के ट्वीट का जवाब देते हुए उन्हें टैग किया। विष्णुवर्धन रेड्डी ने अपने ट्वीट में कहा के आरबीआई का कहना है कि नोटबंदी के 6 साल बाद अवामी रुकुमात में 72% का इजाफा हो गया है। यह रकम 17.97 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 30.88 लाख करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि किसी ने कहा था कि मुझे 50 दिन दीजिए, अगर मैं नाकाम रहा तो मुझे जला दीजिए। उन्होंने उन्होंने हैशटैग नोटबंदी की नाकामी भी लगाई और साथ ही में अपने दावे की हिमायत में अखबारात के तराशे भी पोस्ट किए।